मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर जबरदस्त तैयारी की गई है। तस्वीरें आपके सामने न्यूजर्सी की है, जहां मोदी के स्वागत के लिए लोग हाथों में तिरंगा लेकर तैयार है, शंखनाद किया जा रहा है। हमारा आग्रह है और ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और माननीय मोदी जी के लिए जो हार इन लोगों ने इतनी मेहनत से बनाया, मंत्रों के द्वारा इस अभिमंत्रित किया, तो हम लोगों की सबकी इच्छा है और हम लोगों की मेहनत तभी सफल है जब मोदी जी इस हार को ग्रहण करें, क्योंकि वेद मंदिर और स्वामी गंगेश्वरन जी का, मोदी का कांकड़िया जो हमारा वेद मंदिर है वहाँ से संबंधित है और उन्हीं के द्वारा इस वेद मंदिर से न्यूजर्सी से हार यहाँ पर बन रहा है, तो मोदी इसको ग्रहण करें, हमारी सबकी यही आशा है। और रिचमंड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतवंशी रंगारंग कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए हैं, फोक डांस करते हुए आप इन्हें देख सकते हैं। आप देख रहे हैं गुजराती गरबा नृत्य की तैयारियां चल रही हैं, प्रैक्टिस बड़ी जोर शोर से की जा रही है। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारतवंशियों से मुलाकात करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे, तो वो पल भी इन सभी के लिए बेहद खास रहने वाला है। वर्जीनिया की तस्वीर आपने देख ली, अब अमेरिका के मैरीलैंड की तस्वीर आप देखिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा और खुद बच्चे बना रहे हैं, बड़ों के साथ मिल बैठकर तिरंगे बनाए जा रहे हैं। जाहिर है जब स्वागत होगा प्रधानमंत्री का, उस वक्त हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा लहराता हुआ देखना चाहते हैं और इसलिए आप देखें कि सभी लोग एक साथ बैठ के इसमें, छोटे बड़े बुजुर्ग सभी शरीक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो कई दफ़ा अमेरिका दौरे पर जा चुके हैं, लेकिन इस बार का दौरा बेहद ख़ास है। न्यूयॉर्क शहर में हर होर्डिंग पर आप जहां तक नज़रें घुमाकर देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी का ही वीडियो चलता हुआ नजर आएगा। अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों का जोश इस वक्त हाई है और इस तरीके की स्वागत की तैयारियों को देखकर तो और हाई होना है। अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से लोग इस वक्त वॉशिंगटन पहुँच रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ठीक है। मुझे व्हाइट हाउस के लिए भी इन्विटेशन आया हुआ है थर्सडे के लिए, जिस दिन होंगे, एंड आई एम सो एक्साइटेड कि मुझे हमें, मतलब इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट, ओके, इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट जो आज हम देख रहे हैं, वो एक, मतलब हमने, हमारे पूर्वजों ने कोई सोचा होगा एक ऐसी सिचुएशन आएगी, सपना था कि जब एक सुपर पावर हमारे देश को इतनी महत्व देगी। मिस्टर मोदी है तो मुमकिन है, मिस्टर मोदी है तो जो बाइडेन के साथ मिलना जरूरी है, वो मिलेंगे तो कुछ न कुछ बढ़िया काम करके दिखाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, और उनको यहाँ अभी गेस्ट करके बुलाया है, उसका हमको बहुत स्वाभिमान है। चेहरा सामने हो तो भारत माता का हो, आंखें बंद हो तो सपने भारत माता के हो। मैं मर जाऊं तो कोई गम नहीं, मैं मर जाऊं तो कोई गम नहीं, लेकिन धरती मिले तो भारत माता की हो, धरती मिले तो भारत माता की हो। मोदी 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 जैसा हमारा गुजरात का मोदी, हमको इसके ऊपर बहुत गर्व है, जो काम करते हैं सबके लिए बहुत अच्छा करते हैं, मैं उसके लिए गर्व महसूस करती हूँ। मुझे मेरा देश का बहुत बड़ा अभिमान है और मोदी जो कार्य करता है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और उसको ही आगे बढ़ना चाहिए, और ऐसा ही हमारा देश आगे बढ़ेगा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। अपने को इंडिया में जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अप करे मोदी जी और गडकरी साहब जी, वो बहुत ही अच्छा है। अपने कंट्री में सोचना चाहिए, पूरा इंडिया में, कि मोदी जी को कम से कम और 10-15 साल तो कम से कम उनको प्राइम मिनिस्टर रखना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।